Hi guys, this is Mansi and welcome back to my channel. So I'm back with another Meesho haul. So इस बार का Meesho haul बहुत interesting होने वाला है हमेशा की तरह. So इसमें मैंने dresses, tops purchase किए हैं जो कि बहुत अच्छे और बहुत affordable है. Summer fit है इसमें सारे के सारे. So start कर लेते हैं. इससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक भी Instagram पे follow नहीं किया तो जल्दी से जाके Instagram पे follow कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट सबसे ज़्यादा मैं वहीं पर शेयर करती हूँ और सारे लिंक्स आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर मिल जाएंगे. तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जाके जल्दी से फॉलो कर लेना. सो स्टार्ट करते हैं. तो इसमें ना मैंने ना तीन ड्रेसेस, लाइक है तो फोर ड्रेसेस और फोर टॉप, आई गेस नहीं थ्री टॉप एंड वन कॉर्ड सेट, ऐसा ही कुछ इसमें मैंने परचेज किया है जो कि काफ़ी अच्छा है. मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं. सो स्टार्ट करते हैं इस वाली ड्रेसेस आप में. ये बहुत अफोर्डेबल काइंड ऑफ है और बहुत ही सस्ती, जिसे आप बोल सकते हो 280 का प्राइस, मुझे अभी भी याद है 280 का प्राइस है. और ये पूरे रिफ फैब्रिक में है, लाइक जो स्ट्रेची मटेरियल है वो वाला. इसलिए मैंने जो इसका साइज़ पिक किया था वो मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल किया था. और इसमें आपको बहुत सारे साइजेस मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर शेड्स मिल जाएंगे. जो मैंने पिक किया है वो मैंने बेच किया है, उन्हें पिक कर सकते हो. बहुत सुंदर लगने वाला है. इसका फिट इतना अमेजिंग आ रहा है ना, इतना अच्छा आ रहा है. मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में इसलिए लेता ताकि इसका फिट प्रॉपर जो मुझे चाहिए था वही फिट आए. और सेम एग्जैक्टली वही फिट आया है इसका. ये आपको स्लीवलेस काइंड ऑफ मिल जाती है. आप इसके ऊपर कोई भी श्रग वगैरह यूज कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो, या फिर अंदर कोई भी इनर वेयर कर सकते हो. तो ये पूरी लॉन्ग में है, आपको ये नीज तक मिल जाएगी. लाइक नीज के थोड़ा सा इतना सा जो गैप है ना वो बचेगा. बाकी ये वाली बहुत प्यारी ड्रेस है और जो इसका शेप है वो भी काफी अच्छा दिया हुआ है. पूरा बॉडीकॉन ड्रेस है और इतना अफोर्डेबल है ये, बहुत ज्यादा. इसमें कलर शेड्स बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें मैंने आपको पहले ही बोला, तो आप पिक कर लेना. ये वाला थोड़ा सा आपको लाइट मिलता है कलर, तो इसमें विजिबल होने के चांसेस ज्यादा है. तो ट्राई करना कि कोई डार्क शेड आप परचेज करो जिसकी हेल्प से आपको कुछ भी विजिबल नहीं हो और अपनी इनर जो भी आप वेयर करना चाहते हो आप इजिली कर पाओ. तो काफी अच्छी है, जो फिट है बहुत अमेजिंग है, लुक भी काफी अच्छी ज्यादा सुंदर लग रही है. काफी लॉन्ग में ये ड्रेस बहुत अफोर्डेबल है, इसलिए मैंने फर्स्ट यही आपको दिखाई है. सबसे सस्ता लाइक इस हॉल का जो प्रोडक्ट है वो यही वाला है. सो इसका ट्राई ऑन आपको साइड में दिख जाएगा. देन बात करते हैं सेकंड कोऑर्ड सेट की. ये वाला कोऑर्ड सेट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था बीच में और ये मैंने पहले ही इसका वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि वापस से कर देती हूँ. तो इसमें ना आपको एक शॉर्ट मिलता है और इसमें आपको टॉप मिलता है. तो जो ये फैब्रिक है अगेन रिफ फैब्रिक में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेची मटेरियल है. और मैंने इसको अगेन परचेज किया एक्स्ट्रा स्मॉल में, क्योंकि मैंने परचेज करके देख लिया था और ये मुझे थोड़ा फिट नहीं आया था, इस वजह से मैंने इसको एक्स्ट्रा स्मॉल परचेज किया है. और इसका टॉप जो है वो पूरा आपको स्लीवलेस मिल जाएगा, कैमी टॉप है पूरा और ब्लैक एंड व्हाइट के शेड में है. व्हाइट कलर की इसमें पाइपिंग, लाइक साइड की एंड जो किए हुए हैं व्हाइट से किए हुए हैं. काफ़ी अच्छा है, पूरा फिट बहुत अमेजिंग आ रहा है. ब्लैक कलर मैंने पिक किया है, आप कोई और कलर भी पिक कर सकते हो. बहुत सारे साइजेस थे, बहुत सारे कलर शेड्स थे, तो आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर लेना. और ये इतना प्यारा लग रहा है, इतना परफेक्टली मेरी बॉडी पे फिट हो गया. फिट लाइक अ ग्लव जो आप बोलते हो, ठीक है. तो ये बिल्कुल परफेक्ट वैसा वाला फिट आया है. बहुत सुंदर लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है. जो इसमें ये वाली चीज़ की हुई है ना व्हाइट कलर की बाउंड्री टाइप, ये भी काफ़ी अच्छी की है. देन बात करते हैं इसकी शॉर्ट की. शॉर्ट मुझे लगा था कि परफेक्ट, पिछली बार क्या हुआ था कि शॉर्ट जो था वो मुझे परफेक्टली फिट नहीं आया था, तो इसलिए मैंने इस बार एक साइज़ छोटा मंगवाया जिससे कि ये मुझे परफेक्टली फिट आया. और इसका जो फैब्रिक मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा थिक मटेरियल में है, लाइट मटेरियल नहीं है. इसका बहुत लाइट मटेरियल है, बट इसका जो मटेरियल है वो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. और 400 समथिंग में इसका कुछ प्राइस है, वर्थ इट है परचेज़ करना. आप परचेज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, ट्राई करके देखना. देन बात करते हैं नेक्स्ट. तो ये वाला टॉप मैंने शायद पहले भी एक बार ट्राई किया था या फिर नहीं किया था, पर मुझे ऐसा लगा कि ये वाला टॉप मैंने ट्राई कर चुकी हूँ और फिर मैंने अगेन ये वाला परचेज किया, कि क्या पता नहीं भी किया हो. तो ये वाला कैमी टॉप है और इसका जो फिट है वो बहुत अच्छा है. इसका शायद से साइज़ फ्री था, फ्री साइज़ में था ये वाला, क्योंकि जो इसका फिट है ये सबको ही आ जाएगा, स्मॉल टू मीडियम तक ये सबको आ जाएगा. तो मुझे परफेक्टली फिट आ गया. इसकी स्ट्रेच भी काफ़ी सही है, ज़्यादा मतलब इलास्टिक वाला है, इसमें फैब्रिक यूज़ नहीं किया हुआ. बट जो ये मटीरियल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची मटीरियल है, बहुत स्ट्रेची मटीरियल है और काफ़ी परफेक्टली फिट आ गया मुझे. स्ट्रेप्स भी ज़्यादा लूज नहीं मिलती है, नॉर्मल स्ट्रेप्स दी हुई हैं, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग फिट हो जाएंगी. फ्रंट का एंड बैक का लुक देख सकते हो, नॉर्मल है. मैंने ये जीन्स के साथ में पेयरअप किया है और जो जीन्स मैंने इसके साथ पेयरअप की है वो मैंने अर्बैनिक से परचेज की थी और जो अब उसका लिंक नहीं मिल सकता. काफ़ी स्टफ ऐसा है जिसका जो मैंने अर्बैनिक के साथ में ट्राई किया है, तो उसका लिंक मत मांगना क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है. सो ये मैंने ट्राई किया. देन बात करते हैं नेक्स्ट ड्रेस का. ये वाला ड्रेस ना अभी मैंने इंस्टा पे भी अपलोड की थी और ये वाली ड्रेस मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में परचेज की है. देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है. इसमें आपको वी नेक मिल जाता है, ये वाला जो फ्रंट है काफ़ी सही है, ठीक है. और बैक से इसमें पूरा जिप मिल जाता है ओपन अप करने पर, ये आप इसको ऐसे वेयर कर सकते हो या फिर नॉर्मल जैसे आपको वेयर करने वैसे भी कर सकते हो. और इसमें जो चीज़ है ना
ये फ्रिल वाली जो इन्होंने ऐड की है, ये जो साइड्स में कटआउट वाला जो फ्रिल वाला ऐड किया ना, ये बहुत अच्छी है। थोड़ी सी शॉर्ट हो सकती है, बैक से लॉन्ग है, फ्रंट से शॉर्ट है। ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं अर्बैनिक से सिमिलर है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी ब्राउन ड्रेस थी जो थोड़ी ऐसी ही थी, और बिल्कुल सेम है। फैब्रिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, 300-390 अराउंड इसका कुछ कॉस्ट था, 400 समथिंग में, तो काफ़ी वर्थ इट है। अगर आपको बर्थडे के लिए कुछ ऐसे ब्लैक ड्रेस देखनी है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। काफ़ी प्यारी है, बहुत सुंदर है। बैक से बिल्कुल लॉन्ग में है, बट फ्रंट से जो इसका लुक आएगा वो जहाँ पर फ्रिल आपको दिख जाएगा, ऐसे कटआउट वाले फ्रिल में है, काफ़ी प्यारा है। और फैब्रिक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा स्ट्रेची मटेरियल नहीं है, बहुत हल्का है, बट इसका लुक बहुत अच्छा है। पूरा कट स्लीव्स में मिल जाएगी और इसमें बहुत सारे साइजेस आपको मिल जाएंगे। कलर शेड्स की मैं बता नहीं सकती कलर शेड आपको कितने मिलेंगे, बट हाँ ये है कि आपको साइजेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे इसमें। तो साइज तो मैंने पिक किया एक्स्ट्रा स्मॉल, और आप इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने इसको ज़्यादा एक्सेसराइज करके नहीं वेयर किया, नॉर्मल मैं जितना वेयर कर सकती थी मैंने उसको उस तरह से ही पेयरअप किया है, ठीक है। देन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट मैंने ना ये टॉप परचेस किए, इसमें ना कोरियन ड्रेसेस भी है और कोरियन टॉप्स भी है। तो उसमें सबसे पहला टॉप ये वाला है कोरियन में, तो ये वाला इनका ना आप एक चीज़ ये देखना कि इनके जो फैब्रिक की क्वालिटी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत थिक मटेरियल में होती है। वाइट होने के बाद भी ये वाला जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, और कॉलर में इसके डबल फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और ये एक्स स्मॉल में मैंने परचेस किया है, देख लो। और इसका फ्रंट का है ना जो नॉर्मल सा लुक है, बिल्कुल नॉर्मल एक टी शर्ट काइंड ऑफ टॉप है पूरा, और शॉर्ट स्लीव्स में है। प्लस इसमें जो बैक का लुक है, बैक का लुक कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, इसको आप ऐसे फ्रंट में टाई अप कर सकते हैं। सो बैक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें लॉन्ग स्ट्रेप्स दी हुई है, आप इसको आगे की तरफ भी नोट कर सकते हो, बैक में भी कर सकते हो। मैंने फ्रंट में की है ताकि इसका लुक और अच्छे से दिख सके, तो आप इसको बैक में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी A1 है, बहुत सारे साइजेस मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर शेड्स मिल जाएंगे, और कोई भी आप पिक कर सकते हो अपने साइज अकॉर्डिंग। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हाईली रिकमेंड करूँगी मैं। और समर्स के अकॉर्डिंग ये वाला कलर जो व्हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और काफ़ी ब्रीथेबल फैब्रिक है, परचेस करके देखना आपको जरूर अच्छा लगेगा। देन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट का। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है, इसमें ये एक टॉप है, और ये भी कोरियन टॉप ही है। इसमें आपको ना टर्टल नेक मिल जाता है, ठीक है, ये इसका लुक देखो एक बार, टर्टल नेक मिल जाता है। और इसमें ना जो स्लीव्स के यहाँ पर जो ऐड किया हुआ है अलग, वो काफ़ी अच्छा है, और बिल्कुल डिफरेंट कलर में है। ये वाला पूरा आपको बेज में मिल जाएगा, प्लस इसका जो कलर शेड है वो वाइट में मिलेगा, ऑफ वाइट भी बोल सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे, बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं, बहुत सारे आपको साइज मिल जाएंगे, और जो इसका नेक मिलता है टोटल नेक मिलेगा। देन मैंने इसमें जो परचेस किया है साइज़, वो मैंने स्मॉल लिया, स्मॉल इतना ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। हाई वेस्टेड जीन्स के साथ में अगर आप इसको वेयर करोगे तो प्रॉपर जो इसकी लेंथ है फुल लेंथ में आएगा, और मैंने इसको अपनी जो अरबानी की जीन्स है मैंने उसके साथ में पेयरअप किया है, तो आप देख लेना जिस तरह आपको वेयर करना है, बहुत सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। मटेरियल क्वालिटी इसकी में और इसके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लाइक व्हाइट वाले में और इसमें, क्योंकि ये वाला जो मटेरियल है ये आपको ड्रेस वाला मिल जाएगा, बिल्कुल लाइट मटेरियल है, देखने से पता चल जाएगा। और ये एक चीज़ ये कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट होने वाला है, लाइक बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने वाला है, और व्हाइट भी ट्रांसपेरेंट होगा, बट इसका मटेरियल क्वालिटी काफ़ी थिक है और इसकी बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना इसमें क्या आपको पहनना है या फिर क्या आपको इसके अंदर वेयर करना है, तो ये है। देन बात करते हैं नेक्स्ट ड्रेस का। लाइक इसमें दोनों ड्रेस बची हैं, और ये वाली आपने देखी होगी, ये ना बहुत ज़्यादा वायरल गई थी कुछ टाइम के लिए। और ना इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें अब की बार मैंने ना दो बार परचेस किया, मैंने दोनों मतलब जो सेम प्रोडक्ट्स है ना मैंने दो बार परचेस किया। एक मैंने पहले भी किया था, इसकी जो शर्ट है मेरे पास वो ट्रांसपेरेंट में है, और आपने काफ़ी ज़्यादा मेरी पिक्चर्स वगैरह में देखी होगी वो। और इसमें इस बार ना ड्रेस आई है प्रॉपर बॉडीकॉन ड्रेस, और काफ़ी लॉन्ग में, ये वाली ड्रेस काफ़ी लॉन्ग में है, मटेरियल क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत थिक मटेरियल में है, ये वाला जो फैब्रिक है बहुत थिक मटेरियल में है, रिफ फैब्रिक है, और जो इसकी जो स्ट्रेप्स है वो एडजस्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी डीप नहीं होने वाला है, फ्रंट हो या फिर बैक हो बिल्कुल नॉर्मल है, फ्रंट आगे से भी और बैक से भी। और जो इसका शेप है पूरा बॉडीकॉन में दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिट है, बहुत ही अच्छा फिट है इसका, मटेरियल क्वालिटी में वापस बोल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इसकी। और इसमें जो शर्ट आई है वो इस बार ट्रांसपेरेंट नहीं आई, और मुझे यही चेक करना था कि इसमें ट्रांसपेरेंट वाली शर्ट आती है या नहीं आती, बट इसमें ट्रांसपेरेंट वाली शर्ट नहीं आई है, इसमें प्रॉपर शर्ट आई है, जो नॉर्मल आती है शर्ट वो वाली आई है, और फैब्रिक क्वालिटी ठीक है, बट इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा थ्रेड्स वगैरह का वर्क लाइक काम अच्छे से नहीं किया हुआ, और जो इसका साइज़ है वो भी मुझे कुछ ऊपर नीचे लग रहा है। एल साइज़ में तो ये मैंने मंगवाई थी, और एल साइज़ की मुझे ये लग नहीं रही है, ये मुझे मीडियम साइज़ की लग रही है। आपको प्रॉपर स्लीव्स मिल जाएंगी, चेक वाला प्रिंट मिल जाएगा, कॉलर वाइज आपको मिल जाएगी इसमें पूरी, और इसमें बटन्स है। ऐसी शर्ट मेरे पास एक और है अगर आपने देखी हो तो, बट इसको लेने का कोई
मतलब नहीं है, मैंने बस ट्राई करना था कि ये कैसी आती है, अभी भी ये ट्रांसपेरेंट वाली शर्ट आएगी इसमें या नहीं आएगी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। वैसे ओवरऑल जो लुक है इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो ये वाली ड्रेस है ना, आप इसको शर्ट के साथ में वेयर कर सकते हो, अलग से वेयर कर सकते हो, आपको जैसे स्टाइल करनी है आप वैसे स्टाइल कर सकते हो उसको। देन बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल जो ड्रेस मेरे पास इस बार है, ये वाली ड्रेस काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी ये वाली ड्रेस। अगर आपको प्रॉब्लम है इसके कट से तो आप इसको स्टिच तो क्या ही करवाओगे, आप इसको क्या ही मतलब स्टिच करवाओगे इसको, क्योंकि कटआउट में दी हुई है, जिससे कि ये वाला थाई पे जो आएगा इसका कट वो काफ़ी अच्छा आएगा। ये मेरे लेफ्ट थाई पे आया है तो आप इसको देख लेना। इसमें ना स्लीव्स भी काफ़ी सही है, मतलब शॉर्ट स्लीव्स में है, स्क्वायर नेक बताया हुआ है, बट मुझे स्क्वायर नेक लग नहीं रही है और बिल्कुल भी डीप नहीं होने वाला है। फैब्रिक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, थिक मटेरियल इसमें यूज़ किया है, बहुत सारे साइजेस मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर शेड्स मिल जाएंगे। मैंने ब्लैक पिक किया है, इसके अलावा आपको पिंक भी मिल जाएगा, एक शेड से मैंने ऑर्डर किया पिंक में भी, वो भी आएगी। और इसमें ना साइड में यहाँ पर एक थाई कट मिल जाएगा, ठीक है, साइड कट है इसमें, फ्रंट कट नहीं है, स्लिट जो इसमें दिया हुआ है साइड स्लिट है, और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग में है, काफ़ी परफेक्टली फिट आई है। और स्मॉल इसमें जो साइजेस स्टार्ट थे वो स्मॉल से ही थे, तो मैंने स्मॉल ही पिक किया, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा स्मॉल ज़रूर पिक करती, क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ देख लिए थे, काफ़ी सही थे, मतलब एक दो पिक्चर्स मैंने ऑलरेडी देख ली थी जो लगाई हुई थी कस्टमर्स की, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको परचेज़ किया, तो मुझे तो ओवरऑल अच्छा लगा है, मतलब परफेक्ट है और अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, 400 समथिंग में कुछ इसका कॉस्ट था, तो वर्थ इट है परचेज़ करना। और इसमें साइज़ आप देख लेना, कलर्स अपने अकॉर्डिंग देख लेना, और जो लॉन्ग है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, लेंथ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, तो ट्राई कर सकते हो आप। और सारी चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, पर मैं आपको एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लाइक बोलूँगी कि आप इस चीज़ को ज़रूर एक परचेज़ करना, ये वाली जो ड्रेस है ना काफ़ी अच्छी है, आपको ना दिखने में ऐसी लगेगी कि आप मटेरियल क्वालिटी कितनी ख़राब है, लेकिन जब आप इसको वेयर करोगे इसका फिट बहुत अच्छा आएगा। इसमें कोई और कलर शेड परचेज़ करके देखना, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। सो ये सारा स्टफ मैंने जब परचेज़ किया था, तो मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।